लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई का सीबीडी इलाका बीते 15 सालों से जलजमाव से डूबने को मजबूर है। हर मानसून में यहां की दुकानें जलमग्न होती हैं और लाखों का नुकसान होता है। आज भी हो रहा है, लेकिन सैकड़ों मांगों और शिकायतों के बाद भी नवी मुंबई महानगर पालिका आज तक इसके समाधान के लिए गंभीर नहीं दिखती। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने इस पर तीखी नाराजगी जाहिर करते हुए मनपा आयुक्त से जल जमाव की मुसीबत को तत्काल दूर करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एनएमएमसी ने तत्काल उपाय नहीं किए तो दुकानों और मकानों के नुकसान की सारी भरपाई उसे ही देनी होगी। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रहा यह नवी मुंबई का राजधानी क्षेत्र सीबीडी बेलापुर है, जहां आए दिन ऐसा जलजमाव देखने को मिलता है। यहां हर मानसून में दुकानें जलमग्न होती हैं और लाखों का नुकसान होता है। स्थानीय विधायक मंदाताई मात्रे खुद इसकी गवाही देती हैं कि होल्डिंग पॉन्ड और खाड़ी का कीचड़ साफ नहीं होने, पंपिंग स्टेशन के बंद होने और मैंग्रोव की सफाई नहीं होने से बीते 15 सालों से सीबीडी इसी तरह डूबती रही है। उन्होंने कहा कि अब ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। डॉक्टर जयाजी नाथ और अशोक गुरखे के साथ मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मिलने पहुंची मंदाताई मात्रे ने इस पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। गेले मी नगर सेविक डॉक्टर साहेब आणि गुरखे पासून पाण्याचा प्रश्न आहे। मदनतरी तो कमी झाला, पण मँग्रोव्ज सगळं खाडीतलं चिखलनं काढल्यामुळे वारंवार सीबीडी डुबली जाते। त्यासाठी आम्ही सगळे ताबडतोब कारवाई झाली पाहिजे, सूचना केल्या डॉक्टरांनी, त्या पद्धतीने आपल्याला केलं तर सीबीडीमध्ये जी होणारी 10-15 वर्ष व्यापाऱ्यांचं जे नुकसान होतं, फर्स्ट फ्लोअर ग्राउंडवरच्या लोकांचं जे नुकसान होतं, टीव्ही फ्रीज कपडा हॉटेलवाले सगळ्यांचं नुकसान होतं, आणि त्याच्यात रात्रभर जर पाणी भरलं तर हे काम पण प्रायोरिटीने घ्यावं असं आज आम्ही त्यांना सूचना केलेल्या आहेत। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने 2 सालों से चल रहे कोरोना लॉकडाउन के आर्थिक संकट और उसके बीच इस तरह के जलजमाव से नुकसान झेल रहे सीबीडी के दुकानदारों की पीड़ा भी बयान की। उन्होंने कहा कि आज दुकानदार और कामगारों के सामने रोजी रोटी की मुसीबत है, वे बर्बादी के कगार पर हैं। ऐसे दौर में उन्हें सिर्फ 4 बजे तक दुकान खोलने का मौका मिल रहा है, उसमें भी यदि जलजमाव होता है तो कैसे काम करेंगे। ऊपर से अगर दुकान बंद करने में थोड़ी देरी हुई तो मनपा 50,000 की पेनाल्टी वसूलती है। मंदाताई मात्रे ने गुस्से भरे लहजे में कहा कि फिर जल जमाव से होने वाले नुकसान का आखिर जिम्मेदार कौन है। उन्होंने खुली चेतावनी दी कि अब यदि दुकानों और मकानों को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिए एनएमएमसी जिम्मेदार होगी और सारे खर्च और नुकसान की भरपाई भी उसे ही करनी पड़ेगी। आज एवढे दुकानदार आहेत, आज व्यापारी मेटकुटीला आलेले आहेत, रणकुटीला आलेले आहेत, गेले 2 वर्ष झाले सगळं बंद आहे, आपल्याला माहिती आहे। अशा परिस्थितीत कसा तरी 4 वाजेपर्यंत धंदा लावतात। पालिका काय करते, 2 तास उशिरा बंद केला लगे 50,000 दंड घेते, मग यांचं नुकसान कोणी भरून द्यायचं। म्हणून हे काम होणं फार गरजेचं आहे, आणि जर नाही झालं तर ह्या पालिकेला जेवढ्या लोकांचं नुकसान होईल ते देणं भाग पडेल। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 India।